हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं अरस्तु को आखिर राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों पर जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक आखिर क्यों कहा जाता है। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ा था, तो प्लेटो में आपको बताया गया था कि प्लेटो जो है पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था। लेकिन यदि हम यह कहें कि राजनीति विज्ञान का पश्चिमी जगत में जो प्रारंभ होता है वो अरस्तु से होता है तो बहुत अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि प्लेटो का जो संपूर्ण ज्ञान था, उसका जो संपूर्ण विचार था, वो एक तरह से कल्पना पर आधारित था। दार्शनिक राजा का सिद्धांत उसका पढ़िए, चाहे उसका साम्यवाद पढ़िए, चाहे उसके न्याय के सिद्धांत को पढ़िए, वो एक काल्पनिक था, उसकी कल्पना था जिसको व्यवहार में वास्तव में प्राप्त करना जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप अरस्तु को पढ़ते हैं तो अरस्तु का जो विचार है वह एक तरह से वैज्ञानिक है, वो यथार्थवादी है। तो इस तरह से अरस्तु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हमारे लिए हो जाते हैं। और पश्चिमी जगत का अगर यदि क्रमबद्ध रूप से राजनीति का जो प्रारंभ होता है अध्ययन करने का, तो वो अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। तो आज हम जानने वाले हैं वही कि अरस्तु को आखिर राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने के पीछे बहुत से तथ्य हैं जो कि उसको राजनीति विज्ञान का जनक सिद्ध भी करते हैं और इसीलिए उसको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जैसे पहला देखिए, राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करना। पहले राजनीति विज्ञान को जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया था, राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, वो राजनीति शास्त्र की एक उपशाखा के रूप में स्थापित थी। लेकिन अरस्तु जो है पहला विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया, इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज हम जिस रूप में स्वतंत्र रूप में राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, यह राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान के रूप में स्वतंत्रता प्रदान करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो अरस्तु को जाता है। अरस्तु ने न केवल राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया बल्कि उसको सर्वोच्च स्थिति भी प्रदान की। अरस्तु नीति शास्त्र को व्यक्तिक भलाई का शास्त्र कहता है, वह अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र कहता है, लेकिन राजनीति विज्ञान को वो संपूर्ण समाज के भलाई का शास्त्र कहता है, संपूर्ण समाज के कल्याण का शास्त्र कहता है। वह राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानता है, उसको सुप्रीम साइंस कहता है, सुप्रीम साइंस, सुप्रीम साइंस की संज्ञा देता है कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के कारण, राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने के कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। दूसरा है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अरस्तु का जो दृष्टिकोण था, अध्ययन करने का तरीका था, वो वैज्ञानिक था। विज्ञान में जो वैज्ञानिक होते हैं उनके जो अध्ययन की पद्धति होती है वो किसी चीज की, मान किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, एक घटना का दूसरे घटना से तारतम्य को स्थापित करते हैं कि ये घटना हुई तो किस कारण से हुई और उसके आधार पर एक सार्वभौम नियम की स्थापित करते हैं। सार्वभौम नियम का मतलब ये होता है कि ऐसा नियम बनाएंगे जो कि पूरे विश्व में एक जैसा होगा, ये वैज्ञानिक नियम है। इसका प्रभाव जो है देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे पानी H2O, अब H2O जो है ये हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। तो अब इसका प्रयोग चाहे आप भारत में कर लीजिए, चाहे आप अमेरिका में कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलाएंगे तब भी पानी बनेगा, और अमेरिका मिलाएंगे तब भी पानी बनेगा, विश्व के किसी भी जगह मिला लेंगे वहाँ पर पानी ही बनेगा। तो ये है सार्वभौमिकता। तो विज्ञान में जो है वो क्रमबद्धता होती है, वहाँ कार्य कारण में संबंध होता है और उनके नियम जो है सार्वभौमिक होते हैं। अरस्तु ने यही दृष्टिकोण को अपनाया
उसकी अध्ययन पद्धति जो है एक वैज्ञानिक पद्धति थी। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रचना से पहले अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों को अध्ययन किया था, और यह अध्ययन उसकी खुद के मतलब जो कुछ उसने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला और पॉलिटिक्स की रचना की, यह जो है उसकी खुद की खोज थी, खुद का रिसर्च था, इसलिए उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। और उसने उसके आधार पर जो है वो राजनीति विज्ञान को एक नवीन दिशा दी, इसके चीज़ों को बड़ा क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया। उसके सिद्धांत आज भी जैसे विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, वैसे उसके भी सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। जब अरस्तु का यह सिद्धांत है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, वो उस समय जितना सही था, आज के लगभग 2500 साल पहले जितना सही था, वो आज भी उतना ही सही है और आगे भी उतना ही सही रहेगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी पहले भी था, मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी अब भी है और आगे भी रहेगा। तो इस तरह से सार्वभौमिक नियम देने वाला अरस्तु था। उसने कार्य और कारण में एकदम स्पष्ट संबंध बताए। उसने क्रांति के कारण को बताते हुए एक वर्ड में लिख दिया कि असमानता जो है वो क्रांति की जननी है। यानी जहां भी भेदभाव होगा, जहां भी असमानता रहेगी, व्यक्ति व्यक्ति में भेद होगा, समाज में असमानता रहेगी, वहां क्रांति होगी। तो उसने कार्य कारण में एक संबंध स्थापित किया, यानी क्रांति हो रही है तो उसका कारण क्या है? असमानता। और उसके नियम आज भी सही है, सार्थक हैं। कहीं भी इसको देख लीजिए, किसी भी देश की क्रांति को उठाकर आप पढ़ लीजिए तो उसका कारण आपको कहीं ना कहीं असमानता उसमें एक कारण होगा, अन्य कारण कोई और हो सकते हैं लेकिन असमानता एक कारण होगा। तो अरस्तु का जो विषय के प्रति दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, तथ्यों का संकलन कराना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना, और एक सर्वभौम जो है, एक सर्वमान्य जो है सिद्धांत का प्रतिपादन करना। तो ये जो है अरस्तु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इंगित करते हैं। तो अरस्तु का विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, इसलिए भी फ्रेंड्स हम लोग जो है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। तीसरा है यथार्थवादी विचारक। अरस्तु जो है एक यथार्थवादी विचारक था। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को जो है यथार्थ और व्यवहार की दृष्टि से देखा। उसके दर्शन में एक संतुलन है। उसने कभी भी अतिवादी मार्ग का अनुसरण न करके मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। मध्यम का मतलब होता है न बहुत अच्छा न बहुत खराब, बीच का मार्ग। तो अरस्तु ने हमेशा बीच के मार्ग का अनुसरण किया। चाहे आप उसके विचारधारा को जब पढ़ेंगे तो जब उसके ने संविधान या सरकार का जब वर्णन किया तो उसने लास्ट में जब निष्कर्ष रूप में बताया कि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था तो वैसे जो है राजतंत्र और धनिक तंत्र होती है, क्योंकि इसमें जो है उच्च लोगों का शासन, धनी लोगों का शासन होता है। लेकिन उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए लास्ट में ये कहा कि ऐसे शासन के लिए जो है सर्वोच्च गुणों से युक्त व्यक्ति का मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी गया, बहुत योग्य है, तो जरूरी नहीं कि उसके उत्तराधिकारी उतने ही योग्य हों। इसलिए राजतंत्र और कुलीन तंत्र देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन व्यवहार में प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उसने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए उसने लिखा कि प्राप्त योग्य जो सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था है उसको उसने कहा पोलिटी या संवैधानिक तंत्र, जिसको अंग्रेजी में उसने वर्ड प्रयोग किया पोलिटी। तो पोलिटी को उसने कहा कि प्राप्त योग्य जो है वो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि उसको मानना है कि इसमें जनतंत्र की जो संख्या है और धनिक तंत्र का जो गुण है वो दोनों इसमें समाहित है। इसलिए उसने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए प्राप्त योग सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था को जो है पॉलिटी को बताया। तो अरस्तु जो है अपने जो सिद्धांत आप देखेंगे इसका, जिसके दर्शन को पढ़ेंगे तो वो अतिवादिता से बचने का प्रयास करता है। उसने दार्शनिक शासन की कल्पना नहीं की, उसने पत्नी के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उसने एक यथार्थवादी विचारक के रूप में हमेशा मध्यम मार्ग, जिसको कि व्यवहार में प्राप्त किया सके, उसका अनुसरण किया। इसीलिए केटलिन का एक स्टेटमेंट है इसके विषय में कि कन्फ्यूशियस के बाद जो है अरस्तु जो है वो सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा विचारक था। तो उसकी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध रूप से निरूपण। अरस्तु पश्चिमी जगत का पहला विचारक था जिसने कि राज्य को पूर्ण रूप से, उसको क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन किया। राज्य की उत्पत्ति, उसका विकास, उसका स्वरूप, जब अरस्तु ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है जीवन रक्षा के लिए हुई है और सजीवन प्राप्ति के लिए राज्य अस्तित्व में बना हुआ है,
तो उसकी उत्पत्ति और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालता है और इसका क्रमबद्ध रूप से निरूपण करता है। वो सरकार कितने प्रकार की होगी, कानून व्यवस्था कैसे होगा, वित्त की सर्वोच्चता पर बात करता है। वो क्रांति पर अपने विचार देता है और उसके सिद्धांत तो जो है कुछ इतने स्वयं सिद्ध हैं कि वो मैंने कहा जैसे कि आज के 2500 साल पहले जितने प्रमाणिक थे, जितनी व्यवहारिकता थी उसमें, वो आज भी उतने ही हमारे लिए व्यवहारिक है। भविष्य में भी हमको लगता है जब तक संसार रहेगा तब तक उसकी व्यवहारिकता रहेगी। उसका यह वाक्य तो कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है यह तो स्वयं सिद्ध है, इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता है। इतना व्यवहारिक अध्ययन, इतना क्रमबद्ध अध्ययन जो है तो प्लेटो ने भी अपने सिद्धांत में, अपने दर्शन में नहीं किया था। तो राज्य के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से क्रमबद्ध रूप से निरूपण करने के कारण जो है हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है सरकार के अंगों का निरूपण। अरस्तु ने भी सरकार के तीन अंग बताए हैं। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अरस्तु ने भी उस समय सरकार के तीन अंग बताए थे, एक नीति निर्माण करने वाली संस्था, दूसरी प्रशासन करने वाली संस्था और तीसरी अपराधियों को दंड देने वाली संस्था, जिसको उसने असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी कहा। असेंबली का मतलब नीति निर्माण करने वाली संस्था, मजिस्ट्रेसी का मतलब प्रशासन करने वाली संस्था और जुडिशरी का मतलब कि न्याय देने वाली संस्था या अपराधियों को दंड देने वाली संस्था। तो इस रूप में सरकार के अंगों का निरूपण, वर्तमान समय में हम ये मानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भले ही अरस्तु जो है वर्तमान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के समान असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी का व्याख्या न कर पाया हो, लेकिन उसने जो सरकार के तीन अंग बताए हैं और जो तीन कार्य बताए हैं, वो तीनों के तीनों जो है वर्तमान समय में सरकार के जो अंग हैं उसके कार्यों से और उससे बहुत समानता है, बहुत मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से दूरदर्शी दृष्टि रखने के कारण, इस तरह से सरकार के अंगों का विधिवत रूप से निरूपण करने के कारण जो है हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु जो है विधि की सर्वोच्चता का विधिवत रूप से प्रतिपादन करता है। अरस्तु ने विवेक के शासन की बात नहीं की, बल्कि वह परंपरागत कानूनों और नियमों के आधार पर शासन की बात करता है। वह किसी दार्शनिक शासन की कल्पना नहीं करता है जैसा कि प्लेटो ने किया है, बल्कि वह विधि की शासन की बात करता है। वह लिखता है कि व्यक्ति की शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयस्कर है, क्योंकि विधि एक ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी व्यक्ति है तो उसके नियम सिद्धांत दो लोगों के प्रति न्याय करते हुए बदल सकते हैं, लेकिन कानून जो लिख दिया जाएगा वो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। इसीलिए अरस्तु ने लिखा कि व्यक्ति की शासन की तुलना में, ये प्लेटो की बात कर रहा है, जहाँ जो प्लेटो जो है एक दार्शनिक शासन की कल्पना जो किया था, दार्शनिक राजा जो है वो श्रेष्ठ शासक होगा, दार्शनिक शासक का जो शासन है वो अच्छा शासन होगा, उसी परिप्रेक्ष्य में अरस्तु लिख रहा है कि व्यक्ति की शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयस्कर है, क्योंकि विधि एक ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके जो है विधि के शासन के प्रतिपादन करने के कारण, संवैधानिक संस्थाओं में एक तरह से विश्वास प्रकट करने के कारण, उसको हम संविधानवाद का जनक भी मानते हैं। और आगे चल करके जब आप बोधा देखेंगे, चाहे बेंथम को देखेंगे, ऑस्टिन को देखेंगे या हॉब्स को पढ़ेंगे, तो उनके विचारों पर, जो उनकी विधिक संप्रभुता को जब आप देखेंगे, तो उनके कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत पर कहीं ना कहीं जाकर के अरस्तु का प्रभाव आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखो फ्रेंड्स, दो स्टेटमेंट और लिखे हैं। एक लिखा है अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा, तो वो मैक्सी ने कहा था। और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाला अरस्तु चूंकि पहला विद्वान था, तो इसलिए डनिंग ने उसके परिप्रेक्ष्य में लिखा कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया। तो हालांकि इसकी चर्चा हमको ऊपर करनी चाहिए थी, तो ध्यान नहीं आया, तो आपको बता दे रहा हूं कि यह डनिंग का स्टेटमेंट है। और किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था, यह पहले वाले पॉइंट के परिप्रेक्ष्य में कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण। अरस्तु की जो पद्धति थी वो वैज्ञानिक थी। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, जिसमें जो है वो क्रमबद्ध रूप से तथ्यों का अध्ययन करने के बाद कोई निष्कर्ष निकाला जाए। तो अरस्तु की जो पद्धति थी आगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक, तुलनात्मक, पद्धति थी। एक होता है आगमनात्मक और एक होता है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति अध्ययन की वो पद्धति होती है जिसमें निष्कर्ष निकाल पहले लिया जाता है और उसकी बाद में पुष्टि की जाती है।
जिसका कि अनुसरण जो है वो प्लेटो ने किया था। प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो थी वो निगमनात्मक थी। निगमनात्मक पद्धति का जो अध्ययन करते हैं वो कल्पना का सहारा लेते हैं, इसीलिए प्लेटो के विचार जो है कल्पनावादी है। निगमनात्मक पद्धति में निष्कर्ष पहले निकाल लिए जाते हैं, जैसे प्लेटो ने निष्कर्ष पहले निकाल लिया कि दार्शनिक शासन का, दार्शनिक व्यक्ति का जो शासक हो शासन होगा वो सर्वश्रेष्ठ शासन होगा। इसके बाद वो उसको तथ्यों द्वारा पुष्टि करता है कि दार्शनिक शासक जो है वो बड़ा योग्य होता है, वो व्यक्ति जो है उसका अपना कोई हित नहीं होता है, तो उसकी बाद में पुष्टि किया करता है। तो निगमनात्मक पद्धति में निष्कर्ष को पहले निकाल लिया जाता है, बाद विचारों के द्वारा जो है उसकी पुष्टि की जाती है। लेकिन आगमनात्मक पद्धति में ऐसा नहीं है, यहाँ पहले निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है, पहले तथ्यों को कलेक्ट किया जाएगा, उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा, इसके बाद कोई सिद्धांत दिया जाएगा। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया तुलनात्मक रूप में, और तब जो है राजनीति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की, राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध विवेचन किया, शासन प्रणाली का जो क्रमबद्ध विवेचन किया, तो उसने कई देशों के संविधानों का तुलना करने के बाद अपने सिद्धांत दिए। अरस्तु ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि असमानता जो है क्रांति की जननी होती है, बल्कि उसने इस सिद्धांत को निरूपित करने से पहले जो है कई देशों के संविधानों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया, और इसके बाद उसने सिद्धांत दिया कि जहां भी असमानता होती है, जहां भेदभाव होता है, वहां क्रांति होती है। तो अरस्तु की पद्धति जो है वो आगमनात्मक थी, वो तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता था। उसकी पद्धति तुलनात्मक थी, वो तुलना करके क्रमबद्ध रूप से तथ्यों का संकलन करके अपने निष्कर्ष को निकालता था। तो इसलिए अरस्तु की जो पद्धति थी वो वैज्ञानिक पद्धति थी, और वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करने के कारण ही हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो तथ्य जो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक सिद्ध करते हैं। इसीलिए इन तथ्यों के आधार पर ही कहा जाता है, और इसीलिए मैक्सी ने कहा है कि अरस्तु जो है वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।